जय श्री कृष्णा। क्लास सेवेंथ विषय सामाजिक विज्ञान, सेकंड दिनांक 28/10/2020, सामाजिक विज्ञान सेकंड में हमारे अतीत फर्स्ट अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। कल हमने मुगल साम्राज्य के अंदर कुछ अपने मनसबदार और मुक्तियों से भिन्न भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, नहीं उन पर प्रशासन करते थे, उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित किया जाता था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। और औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व और मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। और इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इस कारण किसानों की अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के दौरे में जहाँ जागीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए ये सब बताया गया था। और जब्त और जागीर मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के ऊपर मुगलों की आमदनी मुगलों के आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज। देखिए, किसानों की उपज से मिलने वाला किसानों की उपज से प्राप्त राजस्व अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार, एक मुगल एक ही सब जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल एक ही शब्द जमींदार जमींदार का प्रयोग करते थे, जमींदार प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री अकबर का राजस्व मंत्री राजस्व मंत्री टोडरमल टोडरमल ने 10 साल दस साल 1570 से 1570 से 1580 तक कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का
सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया, इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया, प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया, प्रत्येक को हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को शब्द कहा जाता था राजस्व प्राप्त करने राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के दायित्वों को चुनौती दी। फिर आता है अकबरनामा और आईने अकबर। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, तीसरी जिल्द आयदे अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का बोहरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आयने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों और मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। अब्दुल फजल के अकबरनामा लेते हुए अकबर दूसरा देखिए इतिहास में 3 जिल्दों में लिखा गया। ये इतिहास 3 जिल्दों में, 3 जिल्दों में लिखा गया। 3 जिल्दों में लिखा गया। पहली जिल्द में अकबर के
अकबर के पूर्वजों का बयान है। अकबर के पूर्वजों का बयान दूसरी अकबर के शासनकाल, अकबर के शासनकाल, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का, घटनाओं का विवरण और तीसरी तीसरी जिल्द अकबर के प्रशासन, अकबर के प्रशासन घराने, सेना, राजस्व, और राजस्व का भी होगा।